Assalamu alaikum. Good noon, everyone. I hope that you all will be fine. Today, we are going to discuss the topic from the subject called Management of Physically Challenged Children. Course code for this subject is SPED 3132. I am Kashif Iqbal, your teacher, and going to elaborate a new topic. The name of this new topic is Orthopedic or muscular skeletal disorders and their causes with their characteristics. Then we will also discuss physical and functional defects, abnormalities. This is our chapter number 2. We will discuss today, first of all, an introduction of chapter number 2. And after that, we will come directly to 2.1, which is related to various hip conditions. So this will be our lecture today, and I'm sure that this lecture will be very beneficial for you as a special education teacher. First of all, before starting the lecture, as usual, as I do, we will discuss the agenda of this lecture. After the completion of this lecture, you will be able to, we have 5 agendas today that we will cover almost today. Number 1, to know about orthopedic and muscular skeletal disorders, MDS. Number 2, नंबर वन पे मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा, हम ऑर्थोपेडिक और मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे, यकीनन आप एक बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. नंबर 2, इस लेक्चर के इख्तिताम पे आप इन्हीं डिसऑर्डर्स की, जो मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं या ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हैं, इन्हीं की कॉजेज और इनके करेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरह आप पहचान चुके होंगे, जान चुके होंगे. नंबर 3, टू नो अबाउट द फंक्शनल एंड फिजिकल डिफेक्ट्स, एबनॉर्मलिटीज़. आप फंक्शनल और फिजिकल जो डिफेक्ट्स होते हैं और जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे. और नंबर 4 पे है, टू डिस्क्राइब द अदर नेम्स ऑफ MDS. आप को मस्कुलर स्केले मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स के जो बाकी नाम्स हैं, कि इनको बाकी किस नामों से पुकारा जाता है, आप उसको समझ चुके होंगे. नंबर 5, टू गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस हिप डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट. आप यकीनन इस काबिल हो चुके होंगे कि मुख्तलिफ जो हिप डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में किसी भी फोरम पे बता सकें और उनका ट्रीटमेंट आप डिस्क्राइब कर सकें. तो ये 5 चीज़ें हैं जो हमारा एजेंडा है, जो मेरी ख्वाहिश है, मेरी प्लानिंग में शामिल है, कि आपके अंदर इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, और यकीनन ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स डिसऑर्डर. कॉमन ऑर्थोपेडिक कंडीशंस, क्रॉनिक ऑर्थोपेडिक कंडीशंस सच एज आर्थराइटिस एंड बर्साइटिस अफेक्ट द musculoskeletal system, most commonly the bones and the joints.
कि कॉमन जो ऑर्थोपेडिक कंडीशन है या जो, और ये क्रॉनिक ऑर्थोपेडिक कंडीशंस भी होती हैं जिसमें आर्थराइटिस शामिल है, बर्साइटिस शामिल है, ये इंसान का जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उस पे अफेक्ट करते हैं, ज़्यादातर बोन्स यानी कि हड्डियों पे और जॉइंट्स पे, जो हड्डियों के जोड़ हैं वहाँ पे। दीज कंडीशंस आर डिफरेंट फ्रॉम आर्थोपेडिक इंजरीज। आर्थोपेडिक इंजरीज से ये कंडीशन टोटली डिफरेंट है। लाइक अ शोल्डर डिसलोकेशन यानी कि कंधे का हिल जाना, और ब्रोकन बोन या किसी हड्डी का टूट जाना, विच आर ऑफन ड्यू टू सडन ट्रामा, जो किसी भी ट्रामा की वजह से हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और ये है कॉमन ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स। मैनी कंडीशंस दैट अफेक्ट आवर बॉडी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम नीड क्लिनिकल केयर बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। कई ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो हमारे बॉडी का जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसको अफेक्ट करती हैं, उनको क्लिनिकल केयर की ज़रूरत होती है, और ये क्लिनिकल केयर सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइड ही कर सकता है जो कि प्रोफेशनल हो, जो कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हो। अच्छा, अब ये कुछ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे और एक अच्छे कैंडिडेट या एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे मैं आपको ज़रूर एक टिप देना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा। यकीनन ये सारे डिसऑर्डर्स हमने आने वाली क्लासेस में पढ़ने हैं, हमने इनको डिटेल के साथ समझना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एज एन असाइनमेंट भी ये काम ज़रूर देना चाहूँगा कि आप इसको करें, और ये यकीनन आपके प्रोफेशनल के लिए आपका इंटरेस्ट बेस एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी। बहरहाल, हम आर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स की एक लिस्ट मैनेज करते हैं। नंबर वन आर्थराइटिस, नंबर टू बर्साइटिस, नंबर थ्री फाइब्रोमायलेजिया, नंबर फोर फुट पेन प्रॉब्लम, नंबर फाइव फ्रैक्चर्स, नंबर सिक्स हिप फ्रैक्चर्स, नंबर सेवन लो बैक पेन, नंबर एट हैंड पेन एंड प्रॉब्लम, नंबर नाइन नी पेन, नंबर टेन कफोसिस KYPHOSIS कफोसिस, नंबर अलेवन नेक पेन एंड प्रॉब्लम, नंबर ट्वेल्व ऑस्टियोपोरोसिस, नंबर थर्टीन पैचेस डिजीजेस ऑफ द बोन्स, नंबर फोर्टीन स्कोलियोसिस, नंबर फिफ्टीन शॉर्टर पेन एंड प्रॉब्लम, नंबर सिक्सटीन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स थे जो कि 16 इन नंबर्स थे। मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, इनको फाइंड आउट करें, और इस हवाले से अपना जो नॉलेज है वो ज़रूर आप कॉम्प्रिहेंड करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ करें। यह आपके जो फ्यूचर प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन को आपने चूज़ किया है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ज़रूर आप इसको देखेंगे।
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज अ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। इसकी डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर और MDS, MSDS, MSD कैपिटल है, एस स्मॉल लिखा हुआ है, MSDS मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स आर इंजरीज एंड डिसऑर्डर्स that affect the human body's movement or musculoskeletal system, that is muscles, tendons, ligaments, nerves, discs, blood vessels, etc. तो MSDS क्या है? ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं या इंजरीज हैं जो हमारी जो बॉडी की जो मूवमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं, या बॉडी का जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं। ये कौन सा होता है? ये है हमारे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, नर्व्स, डिस्क्स, ब्लड वेसल्स हैं और एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं, जिस तरह हमने आर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स की एक लिस्ट बनाई थी, इस तरह हम कॉमन मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स की भी एक लिस्ट बनाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। यकीनन आने वाली क्लासेस में हमने इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देखनी है। ये डिस्कस करने से पहले, ये लिस्ट बताने से पहले, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप इनको अपने तौर पे एज एन असाइनमेंट लें और इनको आप एक पैराग्राफ में इलैबोरेट करें, 3 or 4 lines, 5 lines, 6 lines में आप एक डिसऑर्डर्स के बारे में लिखें। लेकिन उसका तरीका ये है कि पहले आप उस डिसऑर्डर को स्टडी करें, पढ़ें, समझें ये है क्या, फिर अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करें। इससे एक तो ये होगा कि आपका इस डिसऑर्डर के हवाले से नॉलेज इंक्रीज़ होगा, और नंबर टू, you people will get to know about the critical writing practice as well, you will need stay in touch. So ab hum inki list ek banate hain. Number 1, muscular skeletal disorder, MSDS ki hum baat karne lage. Carpal tunnel syndrome. Number 2, tendonitis. Number 3, muscle/tendon strain. Number 4, ligament strain. Number 5, tension neck syndrome. Number 6, thoracic outlet compression. Number 7, rotator cuff tendonitis. Number 8, apicondylitis. इसके स्पेलिंग सुन लेंगे, EPICONDYLITIS, एपिकॉन्डिलाइटिस। नंबर 9, रेडियो टनल सिंड्रोम। नंबर 10, डिजिटल न्यूराइटिस। नंबर 11, ट्रिगर finger/thumb. Number 12,
DeQuervin syndrome. Number 13, mechanical back syndrome. Number 14, degenerative disc disease. Number 15, ruptured / herniated disc. सो ये हमारे पास 15 MSDS हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, और यकीनन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल दैट यू विल गेट टू नाउ अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज MSDS फ्रॉम इंटरनेट एंड यू विल इंक्रीज योर नॉलेज एज वेल, ताकि जब हम इन टॉपिक्स को आने वाले लेक्चर्स में कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें, डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करें, तो आपके पास पहले से एक फाउंडेशन ऑफ नॉलेज मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी गाइड करना चाहूँगा। हम ये जो टर्म है मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स की, हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये उस प्रॉब्लम को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है, यानी कि ये जो हमने 15 टाइप्स लिखे हैं MSDS की, जो इनका नाम है वही इनका काम है। अच्छा, नाम से मुझे याद आया, यहाँ पे मैं आपको नॉलेज में थोड़ा सा मज़ीद इजाफा करना चाहूँगा कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के और भी कई कॉमन नेम्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, रेपिटेटिव मोशन इंजरी। नंबर 2, repetitive stress injury. Number 3, overuse injury. ये तीन common names हैं जो कि हम muscular skeletal disorder MSDS के लिए use करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो तीन नाम है ये क्यों कॉमन नहीं है, ये ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं होते। ज़्यादा जो यूज़ होता है वो MSDS होता है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होता है, जो स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं और बाद में जब यही स्टूडेंट टीचर्स बनते हैं तो पढ़ाते भी हैं। उसकी एक वजह ये है, ये जो तीन टर्म्स मैंने आपको बताई हैं जो कि हमारे लिए टर्मिनोलॉजीज हैं, ये अगर आप इन नामों को ज़रा दोबारा गौर से देखें या सुनें, स्लाइड में देखेंगे और मुझे सुनेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा ये सिर्फ किसी एक चीज़ को ही शो कर रहे हैं। जैसे किसी के साथ किसी एक ही किस्म का इशू है, हालांकि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंदर 15 डिफरेंट टर्म्स आती हैं, 15 डिफरेंट डिसऑर्डर्स आते हैं, 15 डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, 15 डिफरेंट एम्बिग्यूटीज़ आती हैं। वो फिज़िकल भी हैं, फिज़िकल से ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमेशा क्योंकि ये सिंगल कॉज को ही जो कि डैमेज की कोई ना कोई एक कॉज होती है, तो ये सिंगल कॉज को ही शो करते हैं। ये एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, लिमिटेड व्यू है, इस वजह से इनको यूज़ नहीं किया जाता। और अभी तो रिसर्च ऑन गोइंग है और इस रिसर्च में कई चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो काफ़ी सरप्राइजिंग है, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो MSDS से एसोसिएटेड है। तो MSDS बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे ये चैप्टर 2 के हवाले से। हमारी जो एक्चुअल डिस्कशन है वो 2.1 है, और 2.1 पे हम बात करेंगे हिप कंडीशंस की, ये बेसिकली हिप कंडीशंस एक छोटा सा टॉपिक महसूस हो रहा है, लेकिन जो मैं समझता हूँ ये बेसिकली हिप डिसऑर्डर्स हैं, वेरियस हिप डिसऑर्डर्स, कई चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ये तो आप जानते होंगे कि हम इंसान की जो हिप होती है वो उसके पूरे स्केलेटन को सपोर्ट करती है, पूरे स्केलेटन को जोड़ के रखती है, ऊपर वाला जो अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है उसके लिए एक फाउंडेशन बनती है हिप,
और फिर उस ऊपर अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो बोझ है वो टांगों के अंदर बर्दाश्त करने की एक सलाहियत हिप कंडीशंस की वजह से होती है। जितनी ज़्यादा मजबूत हिप कंडीशंस होगी उतना ही अपर बॉडी का जो वेट है वो हमारी लोअर बॉडी बर्दाश्त कर पाती है। बहरहाल हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जहाँ से ये लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है, ये है व्हाट आर हिप डिसऑर्डर्स। डेफिनेशंस को देख लेते हैं। हिप डिसऑर्डर्स आर डिसऑर्डर्स दैट इफेक्ट द हिप जॉइंट। हिप डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हिप जॉइंट को अफेक्ट करते हैं। द हिप जॉइंट इज अ बॉल। हिप जॉइंट एक बॉल है। एंड सॉकेट, एंड सॉकेट बेस का मतलब है किसी ना किसी चीज़ को मिलाता है। दैट अलाउज द थाइज टू मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। तो हिप जॉइंट्स क्या है? एक सॉकेट है, एक बॉल है जो कि हमारी जो थाई है जिसको हम लोग फीमर भी कहते हैं, FEMOR फीमर भी कहते हैं, हमारी जो थाई है, हमारी जो फीमर है, उसको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में इधर उधर घूमने की इजाज़त देती है हिप बॉल, हिप जॉइंट। इट आल्सो अलाउज द हिप्स, ये हिप्स को इजाज़त देते हैं टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। ये वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था टॉपिक के स्टार्ट में, कि हमारा जो हिप है ये हमारी अपर बॉडी के जो वेट है उसको कंट्रोल करता है, बर्दाश्त करता है, बेयर करता है। हिप जॉइंट रिजाइड इनसाइड अ कैप्सूल कंटेनिंग लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। हिप जॉइंट जो है एक कैप्सूल के अंदर होता है हिप जॉइंट, और ये कैप्सूल ऐसा होता है जिसके अंदर एक ऐसा फ्लूइड होता है जो इसको लुब्रिकेट करता है, रगड़ खाने से बचाता है, जो और ये फ्लूइड हमारी जो हिप है इसकी हेल्प करता है टू मूव स्मूथली, आसानी से और नरमी से हरकत करने में। हिप जॉइंट के अंदर कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज की डेफिनेशन सुन लेंगे। द टफ बट फ्लेक्सिबल सब्सटेंस दैट लाइंस द एंड ऑफ द जॉइंट्स। ये एक कार्टिलेज एक सख्त होता है, टफ होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल सब्सटेंस है, लचकदार एक मादा है, सब्सटेंस है जो हमारी जॉइंट्स के एंड तक मौजूद होता है। लिगामेंट्स कीप द बॉल जॉइंट फ्रॉम द स्लिपिंग आउट ऑफ द सॉकेट। हमारे नी में जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमारा जो नी जॉइंट्स है उसको सॉकेट से बाहर निकलने से, स्लिप होने से रोकते हैं। हिप डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को मुतासिर कर सकते हैं जिसमें लिगामेंट्स भी शामिल हैं और कार्टिलेज भी शामिल है। हिप डिसऑर्डर्स इन दोनों को किसी भी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, मुतासिर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हिप डिसऑर्डर्स होते हैं? तो इसका जवाब ये है, हिप डिसऑर्डर्स डेवलपमेंटल कंडीशंस की वजह से होते हैं, इंजरीज की वजह से होते हैं, क्रॉनिक कंडीशंस की वजह से होते हैं, या इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे हिप डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि हिप डिसऑर्डर को वेरियस हिप डिसऑर्डर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिप डिसऑर्डर्स बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंदर भी कई ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि
इसकी पहचान करवाते हैं कि ये हिप डिसऑर्डर्स है। अब हम उन डिसऑर्डर्स को देखते हैं जो कि हिप डिसऑर्डर्स में कंसीडर किए जाते हैं। नंबर वन पे ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, इसमें है डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज इन द जॉइंट कॉजेज ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ भी हम समझ लेंगे। देखें, हमें आइडिया है कि डीजनरेशन और रीजनरेशन में क्या फ़र्क है। रीजनरेशन तो वो होता है ना जिससे कोई चीज़ दोबारा बनती है, दोबारा पैदा होती है। डीजनरेशन जो चीज़ पहले से बनी हुई है वो ख़त्म होती है। तो किस चीज़ की डीजनरेशन हो रही है? कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या है? जो हमारे नी के अंदर मौजूद होता है और फ्लेक्सिबल था ना, और ये हमारे जॉइंट में होता है। तो अगर कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये कंडीशन जो है कार्टिलेज को फैला देती है, स्प्लिट कर देती है एंड बिकम ब्रिटल और भुरभुरा बना देती है। कुछ केसेस में कार्टिलेज के जो पीसेज हैं वो टूट जाते हैं हिप के अंदर ही। और जैसे ही कार्टिलेज के साथ ये होता है, ये इसके ब्रोकन पार्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर ये हिप को सपोर्ट करने से इसकी जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। और इससे जो पेशेंट होता है उसको शदीद पेन होता है और वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है। जो सेकेंड टाइप है हिप डिसऑर्डर्स की वो है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया। इस कंडीशन में क्या होता है? ये कंडीशन डेवलपमेंटल डिस्प्ले, देखें डेवलपमेंटल का वर्ड कहीं भी आएगा तो आपने समझना है कि बेबी के, बच्चे के हवाले से ही बात हो रही है। तो ये ऐसी कंडीशन होती है जब एक बच्चा डिसलोकेटेड हिप के साथ पैदा होता है या उसकी हिप ऐसी होती है जो इजीली डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। इसमें एक शैलो हिप सॉकेट होता है जो कि बॉल को अलाउ करता है इजीली स्लिप होने से, और यही वजह बनती है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया की। नेक्स्ट हमारे पास पर्स डिजीज, PERTHES, पर्स डिजीज। ये जो डिजीज़ है ये भी बच्चों को ही मुतासर करती है, अफेक्ट करती है 3 से 11 साल के दरमियान, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बड़ा डेंजरस है। वो ये है कि जो बोन्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और जो हमारी थाई है, जो फीमर है जिसका मैंने आपको पहले बताया, उसके अंदर जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, और जो हमारी बोन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इरिटेबल हिप सिंड्रोम। ये इरिटेबल हिप सिंड्रोम ये भी कॉमन होता है बच्चों में, चिल्ड्रन में, और ये उस वक्त होता है जब बच्चों को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो। इससे शदीद किस्म का हिप पेन होता है और इसका जो नतीजा है वो ये है कि बच्चा लिम्पिंग स्टार्ट करता है, लंगड़ाना शुरू कर देता है। कई केसेस में ऐसा हुआ है ये खुद ब खुद ख़त्म हो गया विदाउट एनी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्ट टिश्यू पेन या रेफर्ड पेन, ये इसका दूसरा नाम है।
ये ऐसा पेन होता है जो कि हिप में होता है और किसी भी इंजरी या डिफेक्ट की वजह से होता है, और हमारे हिप के बाहर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। इस वजह से उन टिश्यूज़ का जो पेन है वो ट्रांसफ़र होता है हिप को, इस वजह से इसको रेफर्ड पेन भी कहा जाता है, क्योंकि वो टिश्यू उस पेन को रेफर करते हैं हिप की जानिब। नेक्स्ट है हमारे पास स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफेसेस। एक स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफेसेस जो है ये सेपरेशन है बॉल की, और ये बॉल कहाँ पे होती है, हमारे हिप जॉइंट के अंदर मौजूद होती है, और किस चीज़ से सेपरेट करती है, थाई बोन से सेपरेट करती है, जिसको हम लोग फीमर भी कहते हैं। एट द अपर ग्रोइंग एंड, ग्रोइंग एंड कहते हैं जहाँ से हमारी जो हिप में जहाँ से हमारी जो बोन्स की है वो ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसे अपर ग्रोइंग एंड कहते हैं, या ग्रोथ प्लेट भी उसे कहा जाता है। ये हिप की फाउंडेशन में होती है, ये ऑफ द बोन। ये सिर्फ उस वक्त कंडीशन होती है जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोइंग चिल्ड्रन में ये चीज़ सामने आती है, और इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, और इससे वो जो जॉइंट है वो स्टेबलाइज हो जाता है, और ये इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी यही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि सिम्टम्स क्या हैं हिप डिसऑर्डर्स के, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हिप डिसऑर्डर्स। हिप एक कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है जो कि बोन से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, लिगामेंट से बना होता है, मसल्स से बना होता है, और लुब्रिकेटिंग फ्लूइड से बना होता है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको इस टॉपिक के 2.1 के स्टार्ट में बता चुका हूँ। इसके जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, और यकीनन जो कॉज होती है हिप डिसऑर्डर्स की वो भी डिफरेंट ही होती है। हर हिप डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट हैं, कहने का मकसद ये है। तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं हिप डिसऑर्डर्स के उसमें क्या है वो हम ज़रा उसको देख लेते हैं। नंबर वन पे है पेन इन द हिप, नंबर टू लिम्पिंग, नंबर थ्री रिड्यूस हिप मूवमेंट इन द जॉइंट, नंबर फोर रेफर्ड पेन, मे बी फेल्ट इन द लेग, नंबर फाइव मसल स्टिफनेस, नंबर सिक्स पेन इन द लेग when we apply weight in that leg। तो ये फाइव कॉमन सिम्टम्स हैं हिप डिसऑर्डर्स के। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, पीपल विद आर्थराइटिस मे एक्सपीरियंस क्रॉनिक पेन एंड पेन when walking, और ये क्रॉनिक पेन उस वक्त होता है जब वो चल रहे होते हैं आर्थराइटिस में ना। अगर आप गिरते हैं या आपका कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें आपकी लेग्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आपको पेन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है हिप में, तो फौरन आपको किसी ना किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इन सिम्टम्स का मतलब है कि आपको कोई फ्रैक्चर हो चुका है, और ये ज़रूर जहन में रखें कि जो अनट्रीटेड फ्रैक्चर होता है उसकी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास,
हाउ आर हिप डिसऑर्डर्स डायग्नोज, हिप डिसऑर्डर्स को डायग्नोज कैसे किया जाता है? अगर किसी को हिप पेन है, तो डॉक्टर यकीनन कोई ना कोई फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, और इसका कोई ना कोई इमेजिंग टेस्ट भी किया जाएगा। इमेजिंग टेस्ट से मुराद सिर्फ दो टेस्ट ही होते हैं ज़्यादातर। नंबर वन पे है MRI, जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और दूसरा है CT scan, जिसको कहा जाता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन। और डॉक्टर इन दो इमेजिंग टेस्ट की मदद से उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे कि जिनसे हिप में स्वेलिंग भी है और पेन भी है। तो इससे जो एग्ज़ामिनेशन है उससे पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। और डॉक्टर इस तरीके से डॉक्टर टांग को मुख्तलिफ तरीक़ों से एग्ज़ामिन करता है और उस हिस्से को यकीनन देखने की कोशिश करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, ब्लॉकेज होती है, ब्रेकेज होती है। और ये ज़्यादातर वो एरिया होता है जहाँ पे टांग पे स्वेलिंग या पेन हो। और ये वो सोर्सेज होते हैं जिससे हिप प्रॉब्लम की तरफ इसका इशारा मिल रहा होता है। ताहम अगर डायग्नोज को मज़ीद कंफर्म करना हो तो और भी कई तरह के टेस्ट हैं जो लिए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में दो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें नंबर 3 पे आप एक्सरे भी इंक्लूड करेंगे, एक्सरे भी पॉसिबल है। नंबर 4 पे अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। और आर्थोग्राम टेस्ट भी है, तो बोन स्कैन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये वो टेस्ट हैं जो कि इमेजिंग टेस्ट में आते हैं। ये जो इमेजिंग टेस्ट हैं ये डॉक्टर को इस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं कि जिससे वो हिप का डिटेल में मुआयना कर सकता है। डॉक्टर को इससे फ्रैक्चर्स का पता चलता है, हिप जो बोन्स डिफॉर्मिटीज़ हैं उनका पता चलता है, और जो स्वेलिंग है उसकी कॉज मालूम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बोन बायोप्सी। अच्छा, डॉक्टर यकीनन इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि बोन बायोप्सी की क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर वो सजेस्ट करते हैं कि जी बोन बायोप्सी ज़रूरी है तो ये ऐसा फिर इसलिए होता है कि बोन के अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको देखा जा सके, और उसके जो इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ हैं बोन के इर्द गिर्द कहीं वो डैमेज तो नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए बोन बायोप्सी की जाती है। यहाँ पे एक जो सर्जन होते हैं वो एक नीडल को इस्तेमाल करते हैं, वो बोन का एक स्मॉल सैंपल लेते हैं उस नीडल के ज़रिए, और इसी सैंपल से ही फिर फर्दर पता चलता है कि बोन के अंदर कौन सी एबनॉर्मलिटी मौजूद है। इससे डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि हिप डिसऑर्डर्स की कॉज क्या है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है हिप डिसऑर्डर्स के। मेडिकेशन के ज़रिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, आर्थराइटिस का, इन्फ्लेमेशन का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मेडिकेशन से पेन को ख़त्म किया जा सकता है जो कि हिप डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड है। पेन के लिए जो टैबलेट या जो मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं वो इरिटेबल जो हिप सिंड्रोम्स हैं उनका बेहतरीन इलाज है, और सॉफ्ट टिश्यू पेन का भी बेहतरीन इलाज है।
medicine for the pain. जो fractures होते हैं उनको surgery के ज़रिए treat किया जाता है और severe arthritis को भी surgery के ज़रिए treat किया जाता है. और slipped capital femoral epiphysis को जो treat करने का जो तरीका है वो femoral को जो थाई है उसको स्क्रीव कर दिया जाता है, उसके साथ स्क्रीव लगा दिए जाते हैं और उनको टाइट किया जाता है ताकि वो दोबारा स्लिप होने से रुक सके. और टेंडन्स को रिपेयर किया जाता है और कार्टिलेज को भी रिपेयर किया जा सकता है और लिगामेंट्स को भी किसी हद तक ये मुमकिन है कि उनको रिपेयर किया जा सके. कई एक्सट्रीम केसेस में ख़ासकर वो लोग जो सवेयर अर्थराइटिस का शिकार होते हैं या इंजरी का शिकार होते हैं उनकी जो हिप है उसकी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है जिसको हिप आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाता है. हिप आर्थोप्लास्टी का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ द हिप्स और ये पॉसिबल है सर्जरी के ज़रिए और ये भी एक ऑप्शन है, लाजमी नहीं कहो, इट इज़ एन ऑप्शन. हिप प्रोस्थेसिस जो होते हैं वो या तो किसी मेटल से बने होते हैं या किसी सिरेमिक से बने होते हैं जिसका नाम है पॉलीथिलीन. ये पॉलीथिलीन जो है ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है और इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें बॉल भी शामिल है और सॉकेट भी शामिल है और ये दोनों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं हमारे हिप जॉइंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ये टूटते नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया है पॉलीथिलीन का अनब्रेकेबल होते हैं. हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का मैं आपको बता रहा था, ये एक बहुत मेजर प्रोसीजर है लेकिन कई लोग अपनी वापस जो नॉर्मल जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होते हैं उसकी तरफ वापस आ जाते हैं इस सर्जरी से, बेशक ये मेजर सर्जरी क्यों नहीं है. और इसमें जो टाइम लगता है रिकवर होने में वो 6 to 8 weeks है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है व्हाट इज लॉन्ग टर्म आउटलुक. हिप डिसऑर्डर्स की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें इनएबिलिटी टू वॉक प्रॉपरली है और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करवाना सके. लेकिन ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इसलिए होता है कि इसमें क्रॉनिक पेन होता है लाइफ लॉन्ग, उसको ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है. कुछ लोगों को परमानेंट डिफॉर्मिटी होती है हिप की इस डिसऑर्डर की वजह से ना, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनके डिसऑर्डर्स की सेवेरिटी क्या है. काफ़ी सर्जरी ऐसे करवाई जा सकती हैं जिससे उसको ठीक भी किया जा सकता है. तो ये हमारे पास आज की एक डिस्कशन थी. हमने आज डिस्कस किया है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स के हवाले से, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स के हवाले से कि कौन कौन से 16 हमने उनकी वो टाइप्स देखी हैं. स्टार्ट में चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट लिया है. फिर हमने डिस्कस किया है मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स को जिनकी जो टाइप्स हैं वो टोटल 15 है, उसकी भी मैंने आपको असाइनमेंट एक दी है. उसके बाद हमने इस इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के बाद हमने 2.1 डिस्कस किया है और ये जो 2.1 है ये वेरियस हिप कंडीशंस के बारे में बात करता है. हमने वेरियस हिप कंडीशंस की डेफिनेशंस को भी देखा समझा, फिर हमने वेरियस हिप कंडीशंस को बाय टाइप्स पढ़ने की कोशिश की, समझना कोशिश की शुरू किया और उसकी टाइप्स को देखने के बाद हमने हिप कंडीशंस का जो ट्रीटमेंट है उसको देखा. वो जो उम्मीद है
आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो गाइस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. थैंक यू वेरी मच.